अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यार आज हम आ चुके हैं आपके साथ ये एक न्यू वीडियो के साथ। न्यू वीडियो हमारी कुछ इस तरह की है कि आज हमने खेला है क्रिकेट, वो भी ग्राउंड छत पे। हमने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है क्रिकेट की, इस तरह प्रैक्टिस करनी है कि अच्छी तरह इंसान खेल ले और अच्छी सी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। यार ये मेरे पैर की गंदी हालत हुई है, इनको मैंने हालांकि मैंने दो बारी वॉश कर ली है लेकिन फिर भी ये ख़राब हो गई थी। और ऊपर की बात, मैं चेहरा भी शलवार कमीज में हूँ। तो यार मैं मुझे अभी कल जुमे का दिन था, जुमा पढ़ के आया। मैंने कहा चलो यार किसी में खेलते हैं, अब क्या चेंज करें। ये देखिए यार, इस पैड जो है ना, ये जो पैड होता है, इस पैड का यार ये सब इसलिए है कि ये बड़ी इसी तरह बांधने पड़ते हैं। सारी गेम है ना, इंसान की सारी गेम ही पैड से होती है। अगर पैड नहीं सही से बांधता ना आपने, तो आपकी गेम फेल है, बिल्कुल फेल है। क्योंकि आपको भागने में कंफर्ट नहीं आएगी तो आप किसी चीज़ में कंफर्ट फील नहीं कर सकते। और इंसान अच्छी तरह अगर जब तक भागता नहीं है ना, तब तक इंसान फिर क्या स्कोर करेगा। और बंदा टेस्ट मैच खेलने जाता है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है। यार मेरे पास एकेडमीज तो बहुत थी, मैं स्कूल वगैरह जाता था, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैं उनमें इंट्रो करना हमेशा भूल जाता था। तो यार आज मैंने कहा कि आज इंट्रो लाजमी करना है। तो यार इंट्रो करते हैं, और इंट्रो तो कर ली है, अब बस ये पैडअप करता हूँ मैं। उसके बाद मैं कोई अकेडमी भी ज्वाइन करूँ आपको, बहुत यानी कि कम टाइम में। अभी मैंने GoPro लेना है, फिर दो चार और DSLR वगैरह पूरा सेटअप करके मैंने एक न्यू चैनल बनाना है। तो यार मैंने पैडअप कर लिया है, तो अब पैडअप के बाद मैं अपना सीधा जाऊँगा। ये थाई है ना, इससे मैंने इतनी बार बचा ना, कसम से मरते बचा इस थाई से। इस तरह के फालतू कसम से खराब होने होते बचा उस थाई से। यार ये मैं थोड़ा कैमरा ज़्यादा एडजस्ट कर लूँ, मुझे लगा थोड़ा ख़राब है तो मैं इसको सेट कर लूँ। रुके एक मिनट, ये कैमरा सेट हो गया। ओह ये तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये और ये। ओके तो यार मैं आपको बताया था कि इसने मुझे इतनी बारी बस सेव किया है ना, इसको मैं कोई नहीं, मैंने इसको पहले ही ना अपना साइज पे किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसको इस तरह करके बांध देता हूँ। हाँ शलवार के लिए मैं कंफर्ट था, मैं कंफर्ट नहीं। इसके बाद हमारे लिए दो चीज़ें रह जाती हैं, एक ये रह जाता है ये ग्रे निकल्स का है, और ये जो ये है ना, इससे जो इंसान जब मारते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, शॉट मारते हैं, जो भी शॉट मारे ना इंसान, यानी कि जिस तरह इंसान फुल मार दे, जो भी यानी कि बाउंस ब्लैंस बॉल पे बॉल आती है, तो उस पर ना ये बहुत आपकी सेफ्टी करता है। और ये ऐसी सेफ्टी करता है, इंसान कहता है कि अगर वो ऐसे लग जाए ना वैसी। एक दो बारी मैंने कभी नहीं पहना थाई, तो शायद तो इससे इतनी गंदी मेरी वो है ना इंजरी, उसके बाद तो मैंने थाई हर चीज़ पहनना शुरू कर दी। ये तो भी मैं प्रैक्टिस के लिए पहना, अभी बॉल तो किसी ने करानी नहीं है, मैं अकेला ही होता हूँ ना, साथ में होता नहीं है, तो बॉल कोई चलाता नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो दो चीज़ें रह गई हैं मेरी, तो यार उसका तो ज़रूरत में इतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि वो पहले मैं बैट निकालूंगा। बैट की आपको फिर बैट तो देखें यार, मेरा पहला बैट था ठीक है, इसमें मुझे कोई इतना अंदाज़ा नहीं था ठीक है। ये चेक करें आप, ये बैट था ठीक है, इसमें ना ग्रेन्स वगैरह का मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने ये ले लिया था। तो अब मैंने कहा कि जब तक इसको सही तरह से खेल ना लूँ ना, तब तक मैंने इसको यानी कि इस्तेमाल इसी को कर रहा है, बस इसी को अभी इस्तेमाल करके खेलूँगा जब तक ये सही चलता है। एकेडमी वगैरह की मैच बैट भी यूज़ करता हूँ, प्रैक्टिस भी।